राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान विपक्ष वेल में आकर लगातार हंगामा करता रहा। विपक्षी सांसदों ने तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर मणिपुर और न्याय दो के नारे लगाए। पीएम को इस दौरान 2 बार अपना भाषण रोकना पड़ा। स्पीकर ने विपक्ष को 2 बार ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये ठीक नहीं है, फिर भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। पीएम ने कहा कांग्रेस पार्टी 2024 से परजीवी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसी के वोट खा जाती है, मैं ऐसा आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले कल के बयान पर कहा, ये गंभीर बात है कि हिंदुओं पर आरोप लगाने का झूठा षड्यंत्र हो रहा है। क्या हिंदू हिंसक होते हैं? देश इन्हें माफ नहीं करेगा। अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या ये अपमान कोई संयोग है या बड़े प्रयोग की तैयारी है। इससे पहले पीएम मोदी के संसद पहुंचने पर एनडीए के सांसदों ने मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।